सेमिस्टर का चाहिए। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, शुभकामनाएं। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति जी से यही प्रार्थना है कि रिद्धि सिद्धि के साथ आए और सदैव कृपा रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। वृद्धों की कृपा रहे और देवी देवताओं की कृपा रहे, जो अच्छे हैं और जो प्रिय है वो सभी व्यक्तियों के साथ कभी गलत नहीं हो, और जो अच्छे हैं जो सदैव साथ देते हैं, आए हैं साथ, वो लोगों के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। गोविंदा जी, इस साल बाप्पा से क्या खास मांगने वाले हो, क्या इच्छाएं रख रहे हो? इस साल बहुत कुछ चाह रहा हूँ। बहुत वर्ष मेरी फिल्में जब रिलीज नहीं हो रही थी, तो 2014 में मेरी दो फिल्में लगी, उससे पहले 5 साल फिल्में नहीं लगी थी मेरी। और पॉलिटिकल माहौल से निकल के काफ़ी मुझे तकलीफ रही, कष्ट रहा, मेरे लिए इजी नहीं था। और अब मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म तैयार है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टनर्स फॉर अभिनय चक्र, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को बहुत पसंद करेंगे। और जैसे कि गोविंदा की फिल्में आप लोग देखा करते थे, इन बिटवीन जो फिल्में मैंने की उसमें एक फिल्म में मैंने विलन किया था और एक फिल्म में मैंने कॉमेडी फिल्म किया, कॉमेडी का किरदार निभाया था। एज अ हीरो मुझे चांस नहीं मिला था। आई थिंक यू विल बी वॉचिंग माई फिल्म एज अ हीरो आफ्टर 14 ईयर्स। वी डोंट रियलाइज बिकॉज वी वॉच गोविंदा फिल्म एवरी डे ऑन द टेलीविजन, थैंक्स टू टेलीविजन। वी नेवर थॉट लाइक दैट, कभी सोचा नहीं था जिस वक्त टेलीविजन आया था ये ऐसी भूमिका निभाएगा हम लोगों के जीवन में। परंतु आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अभिनय चक्र जिस वक्त लगे आप लोग सब बहुत से पसंद करें, बहुत लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू ऑल। ये शुरुआत हुई है मेरी, इट्स बीन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ माय मदर एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स। एंड रिद्धि सिद्धि इज आवर गॉडेस ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अवर लाइफ, दैट वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड हूएवर प्रेजेस देम फर्स्ट ही इज अवर गॉड। एंड I feel that Lord Ganesha is a god which who provides us the right way and never allow us to go wrong. And understanding power, nature, whichever is around us through our parents, is a greatest wisdom. And But we are here. We are here because of our parents. We should thank to them first.
एंड स्टार्ट ऑल द वर्क। गणपति बप्पा। कितने दिन विराजमान रहेंगे आपके यहाँ गणपति? 100 से 150 दिन। थैंक यू सर। थैंक यू।